नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के नंबर वन बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात दुर्ग की, जहां पर छात्रों के तिलक लगाने का विरोध हो रहा है। स्कूल प्रबंधन ने तिलक लगाने का विरोध किया। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एबीवीपी का हंगामा भी देखने को मिला। प्रिंसिपल के कैबिन में हंगामा किया। भिलाई के सेक्टर 10 के शंकरा स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर छात्र तिलक लगाकर पहुंचे और इसका विरोध स्कूल प्रबंधन के द्वारा किया गया और इसी विरोध पर एबीवीपी जो है हंगामा करने के लिए पहुंच गया। दुर्ग का हम जिक्र कर रहे हैं, भिलाई के शंकरा स्कूल का ये मामला है, जहां पर स्कूल में छात्र तिलक लगाकर पहुंचे, उसका विरोध। सर माने चाहिए पूर्व कार्यकर्ता है, वो वर्तमान में भी जय श्री राम। आप हैं क्या प्रिंसिपल? आप रवैया ऐसा था प्रिंसिपल सर का कि मुझे ऐसा लगा कि वो अपना धर्म छोड़ के ईसाई धर्म अपनाने वाले हैं। वो ऐसा लग रहा है जो छात्र आ रहे हैं श्री शंकराचार्य महाविद्यालय में, उनको ईसाई बनाने की ओर ले जाना चाह रहे हैं। कल कम से कम 10 से 15 स्टूडेंट जैसे छात्र हैं श्री शंकराचार्य महाविद्यालय में, ऐसे छात्रों का अलग से उनको बुला के प्रिंसिपल ऑफिस में, और उनका जो तिलक था वो तिलक मिटाया गया। जो प्रिंसिपल सर का कहना है हम धर्म के ठेकेदार हैं, हाँ हाँ हैं, अगर उनको ऐसा लगता है जो धर्म के खिलाफ बोलेगा, जो धर्म के विरोध में बोलेगा, तो हमने हिंदू धर्म का और हम हिंदू हैं इसके नाते हमने रखा है कि अपने देश को अपने धर्म को बचाने के लिए हम हिंदू धर्म के, अगर वो कहते हैं कि हम ठेकेदार हैं तो हम ठेकेदार हैं। तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एबीवीपी हंगामा कर रहा है और ये तस्वीर जो सामने आई है शंकराचार्य स्कूल की, ये तस्वीर है जहां पर हंगामा देखने को मिला। दरअसल छात्र जो है तिलक लगा करके पहुंचे और तिलक लगाने पर ये हंगामा होने लगा। अब प्रिंसिपल ने मना किया तिलक लगाने से और इसी पर भड़क उठे छात्र और एबीवीपी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंच गए और यहां पर हंगामा करते हुए नजर आए। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि पूरे मामले में किस तरह का एक्शन लिया जाता है, पर ये तस्वीर उससे पहले हंगामे की तस्वीर कि किस तरह से यहाँ पर हंगामा हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आए दिन ऐसी तस्वीरें आती हैं सामने, जब स्कूल में तिलक लगाकर पहुंचे तो स्कूल प्रबंधन विरोध करता है, या तो कई और भी तस्वीरें देखने को हमें मिलती हैं। आखिर ये मामला क्या था, किस तरह का संज्ञान इसमें लिया गया है, क्या कोई कार्रवाई की बात कही जा रही है, बताइए। देखिए, इस ये पूरा मामला तब उठा जब कुछ बच्चे जो है स्कूल में तिलक लगा कर आ रहे थे। एक नहीं बल्कि दो दिनों से बताया जाता है कि इस तरह से तिलक लगा के आ रहे थे, जिसका स्कूल के स्टाफ ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि तिलक लगाकर स्कूल नहीं आई है। ये जब बात मालूम चली तो एबीवीपी के कार्यकर्ता वहां पे पहुंच गए और उन्होंने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये कहा कि तिलक लगाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है और इसलिए तिलक लगाने का विरोध किया जा रहा है। जबकि प्रबंधन की बात किया जाए तो प्रबंधन ये का साफ तौर पर कहना था कि उनका इसका विरोध नहीं है कि वे तिलक लगाए, लेकिन क्या है कि वो स्कूल में नहीं चाहते कि कोई धर्मवाद जैसी बातें सामने आई। लेकिन जो इस तरह से लगातार हो रहा था, इसके लिए एबीवीपी काफी आक्रोशित नजर आया था और यही वजह थी कि आज प्रदर्शन किया गया और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए प्रबंधन पर दबाव बनाया गया। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए मिथिलेश। और अब आगे बढ़ते हैं, धमतरी का जिक्र करते हैं। डॉक्टर पर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं, जांच की आड़ में छात्राओं से छेड़छाड़ की। सरकारी स्कूल का यह मामला है, चिरायू टीम के डॉक्टर कुलदीप आनंद की शिकायत है। ये छात्रों की जांच के लिए पहुंची थी स्वास्थ्य विभाग की टीम, डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी ने जांच की है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, क्या था मामला, बताइए। अभिषेक, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल जी, क्या था मामला बताइए। देखिए, कल 7 अगस्त को यहाँ के आत्मानंद स्कूल में, जो कि हटकेश्वर में स्थित है, वहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम गई थी। एक नियमित जांच प्रक्रिया होती है, छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य की जांच की जाती है, तो उसी तरह की टीम लगी हुई थी। उसमें डॉक्टर कुलदीप आनंद थे, वो जांच कर रहे थे। जांच के दौरान स्कूल के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो भी वहां पर उपस्थित थे और उन्हें उनके जांच का जो तौर तरीका है वो जरा आपत्तिजनक लगा, अशिष्ट लगा, तो इस बात पर आपत्ति की गई। लेकिन डॉक्टर ने विरोध आपत्ति को खारिज कर दिया। इसके बाद इस मामले को गंभीरता से लिया गया और शिक्षक और प्राचार्यों ने मिलकर उस शिविर को ही तत्काल रुकवा दिया और इसकी पूरी शिकायत डॉक्टर के नामजद
सीएमएचओ को की गई यहाँ के जिला सीएमएचओ को। और आज आपको अपडेट बता दूं कि इसकी विधिवत जांच शुरू हो चुकी। अभी इस वक्त जब मैं जानकारी आपको दे रहा हूं तो थाने में जो कार्रवाई जो है एफआईआर की ली जा रही है इस वक्त। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। सूरजपुर में विधायक रामकुमार टोप्पो की तबियत बिगड़ी और कांवड़ यात्रा में पैदल निकले थे। सीतापुर विधायक बता दें प्रतापपुर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वाडव नगर से प्रतापपुर जा रहे थे विधायक, पैदल चलने से तबियत खराब हो गई, फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वरुण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, क्या था मामला, किस वजह से तबियत खराब होना बताई जा रही है, अभी हालत कैसी है विधायक साहब की? जी देखिए, सावन का महीना चल रहा है और लगातार कांवड़ यात्रा निकली हुई है। इसी कड़ी में जो सीतापुर के विधायक है सरगुजा के, वो बनारस गए हुए थे उत्तर प्रदेश, वहां से जल लेकर वो सीतापुर मेन पार्ट के लिए निकले हुए थे। इस बीच में प्रतापपुर में उनका रुकने का था, ठीक प्रतापपुर से 20 किलोमीटर पहले अचानक उनकी तबियत खराब हो गई, जिसे वहां के स्थानीय लोग और जो कांवड़ में शामिल थे उन्होंने तत्काल प्रतापपुर अस्पताल में लाया, जहाँ उनका इलाज जारी है। और जो चिकित्सकों से जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि कांवड़ यात्रा में जो पैर में उनके चोट आई है, छाले निकले हैं और जो पैर के दर्द उनके कारण उनकी सेहत बिगड़ी थी, फिलहाल जो है वो खतरे से बाहर हैं और स्वस्थ हैं और जल्द ही उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा। और उसके बाद वो आगे आज प्रतापपुर में नाइट हॉल्ट करके कल सुबह सरगुजा सीतापुर के लिए रवाना होंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण। रायपुर में दो डेयरी पर कार्रवाई हुई है, नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। यहां पर अवैध रूप से संचालित थी ये दोनों डेयरियां, बता दें सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, 12 मवेशियों को जब्त किया गया, 2000 का जुर्माना भी लगाया गया है। यहां पर डेयरी संचालित हो रही थी और यहां पर कार्रवाई देखने को मिली है, नगर निगम का दस्ता पहुंचा, यहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। डेयरी का संचालन हो रहा था, सरकारी जमीन पर यह संचालन हो रहा था और इसी वजह से यहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 12 मवेशी जब्त किए गए हैं, साथ ही साथ 2000 का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं कांकेर पखांजूर में गौ तस्कर पर पुलिस ने एक शिकंजा कसा है। पुलिस ने 20 मवेशियों को मुक्त कराया, साथ ही तस्कर को जेल भेज दिया। अलग अलग गांवों से गायों को खरीदकर कत्ल खाने भेजा जा रहा था, इसे लेकर पुलिस को शिकायत मिली। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए मवेशियों को मुक्त कराया, गौशाला में सुरक्षित भेज दिया है। प्रार्थी मनोज साहू की रिपोर्ट पर एक गौ तस्कर बबलू मंडल, जो कि PV 114 का निवासी है, इसको 20 नग जो गाय बैल और बछड़ा तस्करी करते हुए और कत्ल खाना महाराष्ट्र ले जाते हुए उनके द्वारा पकड़ा गया था और उनके द्वारा पेश करने पर यहां पर गिरफ्तार करके अभी न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। बिलासपुर सिम्स अस्पताल में हंगामा देखने को मिला, मरीज के परिजनों ने बवाल मचाया, मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं, सिम्स अस्पताल में हड़कंप भी मच गया। अब जेल में बंद आरोपी चाहे बाहर निकलकर ऐश कर सकते हैं, सुनकर थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन एक ऐसा ही मामला राजधानी रायपुर से आया, जहां कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी जब ऐश करने का मन किया तो वो इलाज के बहाने जेल से बाहर आया, करीब 5 घंटे तक होटल में रुका, मौज की। उधर जेल प्रहरी आरोपी के बच्चों को घुमाता नजर आया, पूरा मामले का वीडियो सामने आया, हड़कंप मचा। हालांकि आनंद फानंद में जेल प्रहरी को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सवाल उठता है कि इस तरह के ट्रीटमेंट एक आरोपी को कैसे मिला, वो 5 घंटे तक बाहर मौज करता रहा और जेल प्रशासन को खबर तक नहीं लगी। क्या सिर्फ जेल प्रहरी ही जिम्मेदार है या फिर और भी लोग इसमें शामिल हैं? बलौदाबाजार में हिंसा और आगजनी मामले में पुलिस का एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने इस मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया, सीसीटीवी और वीडियो के आधार पर गिरफ्तारी हुई। 10 जून को कलेक्ट्रेट में हिंसा और आगजनी हुई थी और अब तक इस मामले में 177 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
तो हिंसा आगजनी मामले में लगातार गिरफ्तारियां हुई हैं, हो रही हैं, और अब फिर से गिरफ्तारी हुई है। अब तक कुल 177 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इनसे लगातार पूछताछ में और भी कई सारे नाम सामने आएंगे। आने वाले दिनों में माना जा सकता है कि और भी आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। जनदर्शन में बलौदाबाजार के किसानों ने केमिकल प्लांट को लेकर सीएम से शिकायत की है। किसानों का कहना था कि अपोलो कंपनी से निकल रहे प्रदूषित पानी की वजह से उनकी फसल खराब हुई। डोंगरिया के किसानों ने इसे लेकर सीएम को आवेदन दिया। सीएम ने उनकी शिकायत पर बलौदाबाजार कलेक्टर को तुरंत कार्रवाई के निर्देश भी दिए। कुछ गुरुवार जनदर्शन स्थगित था, कुछ कारणों से हम कहीं बाहर थे, तो आज जनदर्शन का आयोजन है, अभी भी चल ही रहा है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पूरे प्रदेश से आ रहे हैं और कई तरह की समस्या आ रही है। विशेषकर तो स्वेच्छानुदान की समस्या ज़्यादा है, आर्थिक सहयोग लोग ज़्यादा मांग रहे हैं, कुछ पढ़ाई के लिए, कुछ बीमारी के इलाज के लिए, कुछ दिव्यांग लोग भी भारी संख्या में आए हैं और कुछ लोगों को तत्काल भी ट्रैक। सीएम हाउस में जनदर्शन कार्यक्रम, सभी संभाग से हर एज ग्रुप के लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कार्यक्रम में सभी एप्लीकेशन लेकर पहुंचे, साथ ही समस्या से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट लेकर सीएम साय से रूबरू हुए। सीएम साय ने बारी बारी सभी की समस्याएं सुनी। इसके अलावा जनदर्शन कार्यक्रम में सीएम साय ने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरण किया, साथ ही कार्यक्रम में आए लोगों को एक एक तिरंगे का वितरण भी किया गया। रायपुर में सीएम ने मिनी गोल्फ में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। मिनी गोल्फ में महासमुंद की रहने वाली चयन कुमारी और रायपुर की रंजीता खलको ने कांस्य पदक जीता। इन दोनों को सीएम ने बधाई दी, साथ ही उनका हौसला भी बढ़ाया। निकाय अध्यक्षों के हस्ताक्षर के अधिकार खत्म किए जाने को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने बयान दिया। उनका कहना था कि सभी निकायों के सीईओ चेक पर हस्ताक्षर करेंगे। अरुण साव ने कहा कि निकायों में बेहतर काम हो, इस लिहाज से यह फैसला लिया गया, तो वहीं जनप्रतिनिधि इससे विकास कार्यों पर ध्यान दे सकेंगे। जी हाँ, ये एक बड़ा निर्णय है जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है वो सुरक्षित रहें और निर्वाचित जनप्रतिनिधि के नाते अपनी जिम्मेदारी का वो निर्वहन कर पाए और उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो, इसलिए ये निर्णय लिया है। निश्चित रूप से ये जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उसके लिए भी और निकायों के लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है जो हमारी सरकार ने लिया है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का विधानसभा चुनाव में हार को लेकर दर्द छलका। अमरजीत भगत ने माना कि अपनी गलती से कांग्रेस चुनाव हारी। उनका कहना था कि तेरा मेरा खेल ने भी कांग्रेस का नुकसान किया। हम लोगों में ही गलती रहा होगा ना, जिसके कारण हम लोग हारे। जनता बदलाव चाह रही थी, नेताओं में तालमेल की कमी थी, तेरा मेरा का खेल पूरा प्रदेश में नुकसान किया। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को बीजेपी ने उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाया। मंत्री ने इसे बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए बीजेपी की जीत का दावा किया। रायपुर दक्षिण सीट ब्रजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव के लिए श्याम बिहारी जायसवाल और शिवरतन शर्मा को बीजेपी ने प्रभारी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसा पार्टी है जहां केवल एक कार्यकर्ता की हैसियत से कोई कितनों ही बड़ा नेता हो काम करना होता है। और मैं धन्यवाद देता हूं पार्टी के जो हमारे राज्य नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व को, जिन्होंने मुझे उस लायक समझा, एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। और निश्चित रूप से हमारे जो कार्यकर्ता हैं और हमारे संगठन के जो हमारे प्रमुख हैं, उनके मार्गदर्शन में और कार्यकर्ताओं की मेहनत से रायपुर दक्षिण की सीट भी जीतेंगे
और निश्चित रूप से कार्यकर्ता की हैसियत से जितना हो सकता है मैं काम करूंगा। अंबिकापुर में नशीली दवा के साथ ही एक महिला को गिरफ्तार किया गया। बिहार के औरंगाबाद से नशीली दवा को ये लेकर सूरजपुर जा रही थी। पुलिस की पेट्रोलिंग टीम को देखकर महिला भागने लगी, तब पुलिस को शक हुआ और बैग की तलाशी ली गई। बैग में भारी मात्राएं में दवाएं मिली जिसकी कीमत 5 लाख रुपए आंकी गई। महिला का नाम गायत्री सिंह है जो मूल रूप से सूरजपुर के श्रीनगर की रहने वाली है। दवाओं को श्रीनगर में खपाने की तैयारी थी लेकिन पुलिस ने बुधवारी बाजार के पास महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने संदेह मानते हुए उस बैग की तलाशी ली और तलाशी लेने पर उस महिला के बैग से 438 पत्ता, कुल 10,512 नग जो है स्पाज्मो टैबलेट और कुल 400 नग इंजेक्शन, जिसमें कि 200 नग जो था वो ब्यूप्रीन नॉर्फिन और 200 नग जो था वो एविल, ये नशीला पदार्थ जो है उसके बैग से मिला था। संबंध में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज के लिए महिला को जो है नोटिस दिया गया, महिला ने इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया और पुलिस के द्वारा जो है वो 22C NDPS एक्ट में इसमें कार्रवाई करके वो महिला को गिरफ्तार कर। कवर्धा में शातर चोरों पर शिकंजा कसा गया है। 5 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कैश के साथ 10 लाख का सामान बरामद हुआ। मुंगेली के रहने वाले सभी आरोपी बताए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर इनके द्वारा चोरी की गई थी और अब ये खुलासा भी हुआ है। शातर चोरों पर शिकंजा पुलिस ने कस लिया है और 5 की गिरफ्तारी इस पूरे ही मामले में हुई है। कैश भी बरामद किया गया, आपको बताएं 10 लाख का सामान भी इन लोगों से बरामद किया गया है। और ये जो आरोपी हैं, आपको बता दें कि सभी आरोपी अलग अलग जगह के रहने वाले हैं और अलग अलग जगह पर ये चोरी की वारदात को अंजाम भी दिया करते थे। मुंगेली के ये रहने वाले बताए जा रहे हैं। पांच चोरों की गिरफ्तारी, साथ ही साथ कैश और 10 लाख का सामान भी बरामद किया गया है इन चोरों से। मुंगेली के रहने वाले बताए जा रहे हैं, अलग अलग जगह चोरी की घटना को अंजाम ये दे चुके थे। कवर्धा जिले में एक महत्वपूर्ण सफलता में आज 5 चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 चोरी के आरोपी अभी फरार हैं। ये 5 चोरी के आरोपी जिला मुंगेली के रहने वाले हैं। इनके द्वारा पिछले कुछ वर्षों से कवर्धा के थाना पंडरिया, थाना कुंडा और चौकी दामापुर में 20 से ज़्यादा चोरी के जो इनके द्वारा जो है चोरी के इल्जाम दिए गए हैं। कोरबा में 5 एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। इनकी बताते हैं कि कनकी इलाके में 5 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। इसे लेकर ग्रामीणों ने जन चौपाल में शिकायत की थी। शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई की, सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। और आइए अब देखें।